डी आज आपको लेके आए हैं अनबॉक्सिंग रिव्यू। तो ये लेडीज़ पर्स हैं, ये हमने कुछ मंगाए हैं और उसके कुछ सेट हमें आ चुके हैं, तो आपको हम आज दिखाएंगे अनबॉक्सिंग करके। अभी खोला नहीं है हमने कि कैसा क्या है, तो ये सबसे पहले हम इसको करेंगे अनबॉक्स। इसको ये हमें डिलीवर हो चुका था और देखेंगे कि इसमें क्या है, ये कॉम्बो है या सिंगल है, जैसा भी है आपके सामने दिखाते हैं हम। तो सबसे पहले इसी को कट करते हैं हम। ये देखिए क्या मटेरियल आता है क्या नहीं। तो ये रहा, वाह, अरे वाह। तो ये रही लेडीज़ पर्स, ये कॉम्बो सेट में है, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। ये ब्राइडल के हिसाब से ही हैं, न्यू ब्राइड हैं या उनके मतलब का आइटम है, बट अनबॉक्सिंग के लिए हमने ये मंगाया है। तो देख ले रहे हैं इसकी क्वालिटी क्या है। तो ये रहा चुटकू सा, पर सुंदर आइटम है। और इसके अंदर ये छोटी सी जिप है और ये पेपर वगैरह इसमें भरा हुआ है, ये देखिए। तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। और सेकंड नंबर जो इसका पर्स है, वो आपको दिखा रहे हैं हम, फटाफट से दिखाते जा रहे हैं टाइम ज़्यादा ना लेते हुए कि क्या आइटम है इसमें। ओके, इसको ओपन करके देख रहे हैं हम। ये देखो एक ये रहा, तो ये गोल्डन में ही है ये भी, और यहाँ पे वाइट कलर के बीट हैं और भी ठीक है, अच्छा लग रहा है इसका मटेरियल। अब ये ओपन इस तरह से हो जाएगा, ये देखिए इसके अंदर का मटेरियल। हाँ, इसमें ये हैंडल एक ही दिया गया है, तो अच्छा लग रहा है इसकी एक ये जिप, जिसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और इसके साथ में एक्स्ट्रा चेन भी दी गई है ये, तो आप देख पा रहे होंगे इसका मटेरियल कैसा है, तो बहुत ही अच्छा है ये। ओके, और नेक्स्ट आपको हम ओपन करके दिखा रहे हैं ये वाला वॉलेट पर्स है, ये भी लेडीज़ में ही है। तो देख रहे हैं क्या है इसमें मटेरियल। एक्चुअली हमारे यहाँ के मंदिर में भजन चल रहे हैं, तो हो सकता है उसकी भी आवाज़ें आपको आ जाएंगी इसमें। एनीवे, तो एक ये रहा, इस तरफ की पैकिंग है, पैकिंग इसकी बहुत अच्छी है, ये क्लच टाइप में है और ये बबल रैप भी किया हुआ है, वाओ। तो ये देखो क्यूट सा है तो छोटा सा, बट इसकी क्वालिटी भी अच्छी दिख रही है। फटाफट से इसकी भी क्वालिटी चेक कर ले रहे हैं क्या है इसका। तो इस टाइप का ये है, ये देखिए जस्ट यही है और कुछ नहीं है, और ये यूँ इस टाइप से बंद हो जाएगा। तो ये लाइट पिंकिश कलर है और ये ब्लू कलर की इसमें थ्रेड की गई है और थोड़े से सितारे वगैरह भी लगे हैं। और इसमें भी हाँ एक्स्ट्रा एक चेन दी गई है इस टाइप की, तो अच्छा है, इसका भी लुक अच्छा लग रहा है। हाँ, ये तो सिंपली कहीं पे भी कैरी किया जा सकता है, ये देखिए इस टाइप से ये। और नेक्स्ट बात कर ले रहे हैं अब हम, एक और है ये वॉलेट इसकी पर्स, ये लेडीज़ पर्स, तो इसको भी खोल के देख ले रहे हैं क्या है, क्या क्वालिटी है इसकी, सारा कुछ आपके सामने है। और ये हमने मीशो से ही परचेस किए हैं, मीशो पे बहुत अच्छे और कम बजट में आपको प्रोडक्ट मिल जाते हैं। तो ये देखिए ये रहा ये पर्स एक, और पैकिंग इसकी ठीक ठाक ही रही है, बहुत आवाज़ आ रही है इसकी पन्नियों में। ये देखो ये इस टाइप का पर्स है, तो ये अच्छा लग रहा है, छोटा सा है, हैंडी है एकदम। और इसकी जिप क्वालिटी की बात की जाए तो बहुत अच्छी है, और इसके अंदर की फिलिंग वही पेपर फिलिंग रहती है, जो अंदर भी आपको एक पॉकेट मिल जाएगा, और इसमें साइड पॉकेट कोई नहीं है, बस है। तो साइज आप देख पा रहे होंगे कि इस टाइप का ये साइज है ब्लैक में, अगर यहाँ के थोड़े से कलर चेंज हो सकता है आपको मिल जाए, बट ये क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा लग रहा है। और नेक्स्ट जो हम दिखाएंगे, तो ये है एक मेंस वॉलेट, ये हमने फ्लिपकार्ट से लिया है, आज ही हमें भी डिलीवर हुआ, 165 के अराउंड है ये। तो इसकी भी क्वालिटी हम देख ले रहे हैं, इसको अनबॉक्स कर चुके हम, ये देखिए। और ये थ्री फोल्ड में है, जिनको थ्री फोल्ड पसंद है उनके हिसाब से बहुत अच्छा मटेरियल है। ये देखो आप, इसमें यहाँ पे एक चिटपिट वाला बटन होता ना, उस टाइप से है, और यहाँ पे भी है, ये देखो कॉइन्स वगैरह कैरी करने के लिए, फ़ोटो, यहाँ पे कार्ड्स, और ये अंदर की मटेरियल क्वालिटी, तो ओवरऑल बहुत अच्छी मटेरियल क्वालिटी है इसकी। तो अगर आपको ये हमारे पर्स का रिव्यू पसंद आया हो, अनबॉक्सिंग रिव्यू पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।